हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस नीट के ऊपर, ठीक है। बाकी अदर एग्जाम से भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए गए हैं, तो इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। 15 क्वेश्चन प्रैक्टिस होंगे, ठीक है। इन सभी क्वेश्चन की PDF विद आंसर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट इनमें से हमको देखना, मैच इनकरेक्ट मैच देखना है। डेंटेलियम, इसका सेकंड नेम होता है टस्क सेल, बिल्कुल ठीक है। लोलिगो, इसका सेकंड नेम होता है स्क्विड, ठीक है, स्क्विड होता है। तो यहाँ पे ये स्क्विड नहीं है, तो इसलिए ये रॉन्ग है, यही हमसे पूछा गया है, रॉन्ग मैच ही ये। एफलाइसिया, सी हेयर होता है, और पाइला एप्पल स्नेल होता है। बाकी तीनों ठीक हैं, सिर्फ सेकंड वाला रॉन्ग है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सेकंड वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया हमसे, सिट्रस कैंकर इन ऑरेंज एंड वाइट स्पॉट इन मस्टर्ड कार्ड बाई रिस्पेक्टिवली। जो ऑरेंज के अंदर सिट्रस कैंकर बैक्टीरियल डिजीज है, वो बैक्टीरिया के द्वारा की जाती है, यही हम क्वेश्चन में पूछा गया है। जो व्हाइट स्पॉट है मस्टर्ड के अंदर, वो फंगई के द्वारा किए जाते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बैक्टीरिया एंड फंगई। ओके, सिट्रस कैंकर इन ऑरेंज इज कार्ड बाई बैक्टीरिया एंड व्हाइट स्पॉट इन मस्टर्ड इज कार्ड बाई द फंगई। ओके, थर्ड इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि RSV टेकर फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन इज नॉट बेस्ड ऑन। RSV टेकर ने जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है, वो किसके ऊपर बेस्ड नहीं है, वो हमको बताना है। ओके, चलिए देखते हैं। पहला है कम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल्स, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल्स, बिल्कुल ये नहीं होगा इसका आंसर, क्योंकि जो सेल की कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी ध्यान में रखी गई है RSV टेकर के द्वारा, ठीक है, तो ये तो सही है। फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये भी ठीक है। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये गलत होगा, क्यों होगा बताऊंगा। फिर फोर्थ है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिज्म की कॉम्प्लेक्सिटी भी देखी गई है। ये थर्ड वाला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रॉन्ग क्यों है, क्योंकि उसने अकेले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात नहीं की थी, उसने मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखा था, ठीक है। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है, एसेक्सुअल दोनों हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ सेक्सुअल है, इसलिए रॉन्ग है। ओके, तो रॉन्ग हमसे पूछा गया है, तो थर्ड इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट अबाउट फाइलम हेमिकोर्डाटा। फाइलम हेमिकोर्डाटा के रिस्पेक्ट में कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, वो हमको बतानी है, ठीक है। एनिमल किंगडम से क्वेश्चन है। पहला, दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड कोलिमेट एनिमल्स, तीनों के तीनों करेक्टर फाइलम हेमिकोर्डाटा शो करता है, ये तो रॉन्ग, ठीक है। सेकेंड, सर्कुलेटरी सिस्टम इज क्लोज, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है और यही हमारा आंसर है। सर्कुलेटरी सिस्टम फाइलम हेमिकोर्डाटा का ओपन होता है, ठीक है, तो सेकेंड रॉन्ग आंसर है, यही हमसे पूछा गया है। बाकी जितने भी है, थर्ड में कहा गया कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज प्रोबोसिस ग्लैंड, ये बिल्कुल ठीक है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, ये भी ठीक है। और तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सेकंड वाला। ओके, ये गलत है, यही हमसे बताना था, क्योंकि सर्कुलेटरी सिस्टम फाइलम हेमिकोर्डाटा के अंदर ओपन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया है कि हाउ मैनी स्पाइरिकल्स आर फाउंड इन कॉकरोच। कॉकरोच के अंदर कितने स्पाइरिकल्स पाए जाते हैं, तो 10 स्पाइरिकल्स आर फाउंड इन कॉकरोच, ठीक है। तो फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ये हेल्प करते हैं कॉकरोच के अंदर एयर एक्सचेंज करने के लिए, ठीक है, बॉडी और सराउंडिंग के साथ में एयर एक्सचेंज करने के लिए स्पाइरिकल्स होते हैं कॉकरोच के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि लार्जेस्ट सेल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर इज, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर की लार्जेस्ट सेल कौन सी है, नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं इनके अंदर से। तो प्लाज्मा सेल दिया गया है, एडिपोज सेल दिया गया है, मास्ट सेल दिया गया है, तीनों और फाइब्रोब्लास्ट सेल, चारों के चारों कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के अंदर आते हैं। तो इनमें सबसे लार्जेस्ट है फाइब्रोब्लास्ट सेल इस सबसे लार्जेस्ट है इन दोनों तीनों चारों के अंदर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सेकंड वाला, सेकंड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गया है कि मोस्ट एसेंशियल ऑफ फैटी एसिड्स आर, फैटी एसिड्स के अंदर मोस्ट एसेंशियल कौन सा होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका थर्ड वाला, लाइनोलिक एसिड इज द मोस्ट एसेंशियल ऑफ फैटी एसिड, ठीक है, ठीक है। तो जो सेकंड ऑप्शन है वो भी थोड़ा मैचिंग कर रहा है, लेकिन यहाँ पे एन है, यहाँ पे एन नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा थर्ड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया कि फ्रॉग मेनली एक्सक्रीट, जो फ्रॉग के जो वेस्ट मटेरियल के बारे में पूछा गया कि किसका एक्सक्रीट करता है फ्रॉग ज़्यादातर, किसके अमाउंट निकालता, तो यूरिया, फ्रॉग मेनली एक्सक्रीट्स यूरिया, तो फोर्थ इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टैडपोल यदि पूछे तो टैडपोल का अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एनिमल्स बिलोंग टू फाइलम एकाइनोडोटा, इनमें से कौन सा ऐसा सेट जो फाइलम एकाइनोडोटा से बिलोंग करता है। तो एग्जाम्पल्स हमसे पूछे गए हैं बेसिकली। ओके, एस्केरिसिस तो फाइलम एस्केलमेंथिस के अंदर आता, तो ये तो रॉन्ग ही हो गया, ठीक है। और कुकुमेरिया, ये इसके अंदर नहीं आएगा, तो इससे मैच कर रहा है सिर्फ और सिर्फ फोर्थ वाला जो ऑप्शन है ना,
अकाइनस हो गया, एस्टेरियाज हो गया, ओफियोरा, तीनों के तीनों फाइलम अकाइनोडर्मेटा के अंदर आते हैं। तो फोर्थ इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। एग्जाम्पल्स आपको जरूर याद होने चाहिए, एग्जाम्पल से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनिमल किंगडम चैप्टर से। कुछ ट्रिक के मैंने चैनल के ऊपर डाली भी है, कोलेंट्रेटा के ऊपर आप जाके देख सकते हैं, यदि पसंद आए तो फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पीसीमेन दैट आर ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड ऑन शीट। मोस्ट पॉपुलर डेफिनेशन है ये लिविंग वर्ल्ड चैप्टर से, ठीक है। तो आपको बताना कि किसके बारे में डेफिनेशन कही गई है। तो ये हर्बेरियम के बारे में सारी की सारी बात कही गई है। हर्बेरियम शीट के अंदर क्या करते हैं, हम किसी भी प्लांट स्पीसीमेन को ले लेते हैं, उसको ड्राई करते हैं, प्रेस करते हैं, उसको प्रिजर्व कर देते हैं शीट के ऊपर, ठीक है। प्लांट स्पीसीमेन का यूज करते, किसी एनिमल स्पीसीमेन का यूज नहीं करते। तो स्टोर हाउस कौन है, हर्बेरियम है। तो फोर्थ इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्वेश्चन के पेपर के अंदर आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा जा चुका है अदर एग्जामिनेशन के अंदर। द केमिकल कंपोजिशन ऑफ वायरॉइड्स आर, जो वायरॉइड्स हैं उनके केमिकल कंपोजिशन क्या होते हैं। वायरस के अंदर सिर्फ और सिर्फ आरएनए होता है, वो भी लो मॉलिक्यूलर वेट का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ओनली लो मॉलिक्यूलर वेट आरएनए इज फाउंड इन वायरॉइड्स एज कंपेयर टू वायरसेस। वायरसेस के अंदर जो आरएनए होता है लो मॉलिक्यूलर वेट का नहीं होता, लेकिन वायरस के अंदर लो मॉलिक्यूलर वेट का होता है। तो फोर्थ इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। ओके, द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम इज मेनली कंपाउंड ऑफ, जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम मेनली किससे मिलकर बना होता है। तो कि ये डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू आपको दिखाए गए हैं, ठीक है। जैसे ये कोलेनकाइमा दिखाया गया आपको, ये स्क्लेरेनकाइमा दिखाया गया है, ठीक है। ये वेसल्स वगैरह दिखाई गई है आपको, जाइलम फ्लोएम वाले वेसल्स वगैरह दिखाई गई हैं। तो ये ग्राउंड टिश्यू मेनली किससे कंपोज होता है, ये आपको क्या दिखाया गया है, ये पेरेनकाइमा है, ठीक है। तो ग्राउंड टिश्यू मेनली कंपाउंड ऑफ पेरेनकाइमा, तो सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या पता पूछ लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा गया कि विच वन इज ए फॉस्फो प्रोटीन, इनमें से एक कौन सा ऐसा है जिसको हम फॉस्फो प्रोटीन कह सकते हैं। तो इसका राइट आंसर मैं पहले बता देता हूँ आपको, एल्बुमिन। एल्बुमिन इज ए फॉस्फो प्रोटीन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर फोर्थ होगा, क्योंकि एल्बुमिन एक फॉस्फो प्रोटीन है, यही हमसे पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, पीडीएफ जरूर डाउनलोड कीजिएगा। ओके, वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन के अंदर पीडीएफ मिलेगी आपको। ओके, इस क्वेश्चन में पूछा गया कि विच टाइप ऑफ एस्टिवेशन इज फाउंड इन कोरोला ऑफ पेटूनिया। तो हमको बताना है कि विच टाइप ऑफ एस्टाइवेशन इज फाउंड इन केस ऑफ पेटूनिया। पेटूनिया कोरोला ऑफ पेटूनिया, जो पेटूनिया प्लांट होता है उसके कोरोला किस टाइप की एस्टाइवेशन शो करते हैं, वो हमको बताना है। ये क्वेश्चन तो एनसीईआरटी से है, लेकिन आपके एस्टाइवेशन वाला जो टॉपिक है उससे डायरेक्टली नहीं पूछा गया है, ठीक है। वहाँ पर ये एग्जाम्पल नहीं दिया गया है, लेकिन जब आप फैमिली की रीडिंग करेंगे, फैमिली के अंदर जो सोलेनेसी फैमिली है वहाँ पर आपको ये एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। इस सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करता है पेटूनिया, और सोलेनेसी फैमिली के जितने मेंबर सबके सब कौन सी वेलवेट एस्टाइवेशन शो करते हैं। वेलवेट एस्टाइवेशन का मतलब क्या होता है, सबके सब जो होल है एक दूसरे से बस टच करते मिलेंगे, ठीक है, बाकी एक दूसरे से ज्यादा मिलाप नहीं होता उनका। तो इसको वेलवेट एस्टाइवेशन सिर्फ और सिर्फ सेकंड शो कर रहा है, ठीक है। आपको डायग्राम भी याद होना चाहिए, वेलवेट एस्टाइवेशन के एक एग्जाम्पल भी याद होना चाहिए। ये जो क्वेश्चन काफी अच्छा मैं मानूंगा, क्योंकि इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन है आपकी एनसीईआरटी से ही, ठीक है। तो सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, पेटूनिया शोज वेलवेट एस्टाइवेशन, और जो कैलोट्रोपिस होता है वो भी यही शो करता है। जो आपका एस्टाइवेशन टॉपिक है वहाँ पे सिर्फ कैलोट्रोपिस का जिक्र है, लेकिन इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया सोलेनेसी फैमिली से पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर इतने एमसीक्यू। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और फिर अपने फ्रेंड्स के साथ में, और ऐसी वीडियो के लिए आप चैनल के साथ जुड़े रह सकते हैं। टिल नेट आपके एग्जामिनेशन तक ये वीडियो आते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और वीडियो जरूर डाउनलोड कीजिएगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वीडियो